घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद भी स्कॉर्पियो नहीं ढूंढ पाई है गोताखोर टीम। बता दें पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के गांधी सेतु से रेलिंग तोड़कर एक स्कॉर्पियो गंगा नदी में समा गई थी। घटना के बाद SDRF व NDRF की टीम लगातार नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन स्कॉर्पियो को ढूंढ पाने में असफल साबित रही है। गोताखोर दल का कहना है कि बाढ़ के कारण गंगा नदी का पानी मटमैला हो गया है एवं टीम के पास अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स की कमी होने के कारण सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। हालांकि सरकार ने इंडियन नेवी को इस सर्च ऑपरेशन का कमान देने का फैसला किया है, लेकिन एक सवाल उठता है कि अब तक 6 दिन बीत चुके हैं और कितने दिनों का इंतजार अभी बाकी है, क्योंकि अपने शुरुआती समय से ही यह हादसा पहेली बना हुआ है। जब तक इस हादसे की गुत्थी नहीं सुलझती है, यह पहेली लोगों को परेशान करती रहेगी, खास करके उस डॉक्टर परिवार को जिन्हें यह यकीन है कि उनके बेटे आदर्श का अपहरण हो गया है, या पुलिस की माने तो नदी में डूबे उस स्कॉर्पियो में आदर्श ही था। आदर्श के पिता एवं परिवार वाले यह चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द गंगा नदी में डूबे उस स्कॉर्पियो की तलाश करे, जिससे यह साफ हो सके कि इस हादसे से आदर्श का कनेक्शन है या नहीं। मेरे बच्चे का अपहरण हो गया है प्रथमा दृष्टया, दूसरा गाड़ी में कोई प्रूफ नहीं है कि मेरी ही गाड़ी गिरी है, ना नंबर दिख रहा है, कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं नजर आ रहा है कि मेरी ही गाड़ी है या मेरा ही बच्चा है, कहीं नहीं दिखा जा रहा है मेरे गाड़ी में। तो जब तक गाड़ी नहीं निकलेगी मैं किसी बुंदे पर नहीं आ सकता हूँ कि मेरी गाड़ी है किसकी गाड़ी है, ये गाड़ी किसी की भी हो सकती है, लेकिन जब वो निकलेगा तो सारे दुनिया को मालूम चलेगा। जो अब तक जो कार्रवाई चल रही है, अब तक जो कार्रवाई चल रही है पुलिस की कार्रवाई सही है, लेकिन उसको पकड़ा जाए लड़की के बाप को और लड़की के घर वाले को, वो सब कुछ जानते हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर उनसे कुछ स्पेशल व्यवस्था अगर पुलिस करती है, टॉर्चर करती है अपने हिसाब से रंगदारी सेल के तहत, तो ये मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और पुलिस को भी सुविधा होगी।